हेलो एवरीवन, रजिया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ एक नए एपिसोड के साथ हम आज फिर हाजिर हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले 3-4 दिन में हुई हैं, लैसे के 11-12 जून से और अब आज 15 जून तक। पिछले 3-4 दिन में जो मुसलमानों पर जो जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं और जिस तरह की उनको ऑप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, उसमें से कुछ भी नया नहीं है, लेकिन ये तादाद इवेंचुअली बढ़ी है इन 3-4 दिनों में। एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया जिसने हमें कहीं ना कहीं से ये खबरें पहुंचा दी हैं और वीडियोस भेज दिए, शेयर किए हैं लोगों ने। कई वीडियोस में वायरल हैं, खासतौर से जो हमारा पहला वीडियो आज जिस पर हम बात करना चाहते हैं काफी वायरल हुआ है, और उसी तरह के 2-3 वीडियोस और भी हमारे साथ हैं, कुछ न्यूज हैं। तो अगर हम एज अ होल यूपी में मुसलमानों की जो सूरत हाल है उसको देखें, तो जो कुछ हम अभी तक सुन रहे थे ना कि मुसलमानों को किस तरह से काबू में किया जाएगा या समेट के एक दायरे में बंद किया जाएगा, वो चीजें अब सिर्फ सुनने की हद तक नहीं है, वो अब अमल में आ चुकी हैं। लेट्स वॉच द फर्स्ट वीडियो। आप सबने, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे शायद पहले भी देखा होगा, जिसमें एक 70-72 साल के एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई है और उनको उनको जदोकोप किया गया, उनको उनको मारा गया। यंग बच्चे हैं जो इतने बड़े और बुजुर्ग इंसान को मार रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि जो लोग आज तक मुसलमान को आतंकवादी कह रहे थे हिंदुस्तान में, वही लोग अब खुद आतंकवादी बन गए। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी से नफरत या मोहब्बत उस हद तक करो कि आप उस जैसे ना बन जाओ। उस जैसा बनने के लिए जो मोहब्बत है ना, वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। आप अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो कि अल्लाह के हर हुक्म को बजा लाओ। इंसानों से ना तो इतनी मोहब्बत और ना इतनी नफरत होनी चाहिए कि आप खुद उस जैसा हो जाएं। आपने जो हमारी संगी सोच के लोग हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने इतनी नफरतें बोई हैं कि आज वो खुद उन नफरतों का हिस्सा बन गए हैं। अब वो वही कर रहे हैं जो आज तक वो मुसलमानों के लिए कह रहे थे। लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट। क्या नाम है आपका? तो बताइए क्या हुआ चाचा आपके साथ में? यहाँ से बॉर्डर से यहाँ गया बैठे पे, मैं ऑटो वालों ने मुझे बिठा लिया और बिठा के दो आगे चल के बैठ गए और वो मुझे ले गए। बैठे जाना था मुझको, वो आगे आगे चलते रहे और मेरे ये रुमाल को यूँ ढक दिया मेरे यूँ, और एक इधर से पढ़ लिया एक इधर से पढ़ लिया और मुझे मारने लगे और बहुत दूर जंगल में ले जाके कमरे में बंद कर दिया मुझे, और कमरे में बंद कर खूब लात घूसे बजाए, और कभी गए सियाराम के नारे लगाओ, सिया जय सियाराम जय सियाराम, और मैं अल्लाह अल्लाह कह बात माल लगा गए, और मैं इतनी माल लगाई कि मैं हाथ पैर मार दिए और मेरे बदले एक आदमी ने इधर से हाथ पकड़ लिया एक इधर से हाथ पकड़ ले, और कभी पिस्तौल उन्होंने मेरे यहाँ रख दी कि आज तुझे नहीं छोड़ में, हमने बहुत आदमी और मुसलमानों को मारा है और तू कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, और आज हम तुझे मार के छोड़ेंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुझे, और मुझे मतलब 3 बजे से मारते मारते 7 बजा लिए, और 7 बजाने के बाद में जब भी मारते रहे और मैं भतेरा चिल्लाता है, मगर चिल्ला गया तो जब भी मार लगा गए। तो देखा आपने, और ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, इसलिए पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कुछ उसके हिस्से काफी हैं जिसमें जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे, जय जय उनकी दाढ़ी को काटा गया है। वो तो आई मीन ISI के जो लोग हैं वो कहते हैं कि दाढ़ी रखो, अगर नहीं रखोगे तो काट दी जाएगी, और ये कह रहे हैं कि दाढ़ी काटो। तो क्या फर्क है दोनों में? आप चाहे ISI वाले हों चाहे ये संगी हों, दोनों ही नफरत का इजहार कर रहे हैं, और वो उसकी मिसाल हमने आपको देखी। तो शायद हमारा जो गोदी मीडिया है उसने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया होगा। इसी के साथ एक और वीडियो आया है जिसमें शायद 22-24 साल का एक लड़का है, उसको दो लड़कों ने और उससे पहले एक लड़की ने, यंग लड़की ने उसको पकड़ा है जो शायद उससे 2-4 साल बड़ी होगी, उसने पकड़ा है उसे और मार रही है और बार बार कह रही है
कि तू वही है ना जो खाने पे थूकता है, तू वही है ना जो खाने पे थूकता है। और एक आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था कि एक मुसलमान रोटी बनाते में, नान बनाते में थूक रहा है उस पे, जो बाद में ये बात गलत साबित हो गई थी कि वो थूक नहीं रहा था, वो कुछ नहीं कर रहा था। वो वीडियो में इस तरह से उसको मॉप करके दिखाया गया था कि वो थूक रहा है, लेकिन वो थूक नहीं रहा था। मगर चूंकि लोगों के जहन को बनाने के लिए इतनी सारी फेक कहानियां हमारे मीडिया ने और संघियों ने और करंट पार्टी ने गढ़ी हैं कि लोगों को अब लगने लगा है कि ये ऐसा ही है जैसा कहा जा रहा है, जैसा मीडिया कह रहा है। तो मीडिया जो है वो दिमागों में बातें डाल रहा था, और उसका नतीजा है ये वीडियो के उस लड़की ने उसको पकड़ा, उसके साथ जो दो और लड़के थे उसके, जो भी उसके दोस्त भाई बंधु जो भी होंगे, उनसे भी कह रही है कि मारो इसे, ये वही है जो रोटियों पे थूकता था। यार वो वीडियो कहाँ का था, और तुम दिल्ली में बैठी हो। एक जो माइंड बनाना था ना, वो माइंड अब कहीं ना कहीं संघ परिवार का जो के जो लोग हैं, या जो उसको फॉलो करते हैं, या जो हिंदू तत्व को फॉलो कर रहे हैं, या चाहते हैं कि हिंदू हिंदुस्तान जो है हमारा भारत, वो एक हिंदू राष्ट्र बन जाए, वो चीज अब दिमागों में बैठ गई है उनके। वो लड़कियां लड़के यंग लोगों को सड़कों पे मारते फिर रहे हैं, इससे ज्यादा बदहाली किसी मुल्क की और क्या हो सकती है कि हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम यू नो पॉलिटिकल पीपल जो आज हैं कल नहीं होंगे। तो ये लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट। तो एक और वाकया दिल्ली में हुआ है, यमुना विहार में मस्जिद जो है उससे कोई एक दो चार पांच फलांग पर एक मुस्लिम फैमिली के घर में कुछ लोग जबरदस्ती अंदर आए और पूरी फैमिली को मारा, और बहुत मारा, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, डंडों से, हाथों से, लातों से इतना मारा कि पूरी फैमिली को जख्मी कर दिया है। मैं जरूर वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरह से वो लोग बेचारे खून खान हुए हुए हैं, बिल्कुल पूरे खून में शराबोर हुए हुए हैं, बैंडेजेस बाद में उनकी कराई गई हैं, और पूरा पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट हुआ है। आप सोचिए कि जो जो नफरत आपने बोई है, ये नफरत इसका अंजाम सोचा है आपने क्या होगा? आप तो अपनी सत्ता के लिए, अपनी पावर के लिए पिछले 7 साल से आप शोर मचा रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। क्या आपने खोल लिया सिवाय इस स्कैम के, इस पार्टी ने, और क्या दिया है हमें? किस फील्ड में तरक्की के नाम पर कोई एक चीज बता दी जाए कि तरक्की के नाम पर, चलो छोड़ दो मुसलमानों को, दलितों को, जिन जिन लोगों से नफरत करते हो आप, उन सबको छोड़ दो। आप ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मणों को साथ लेके चल रही है, सिर्फ हिंदुओं को, हिंदुओं को क्या मिला है मुझे बता दे कोई। यही वो लोग हैं जो अभी दिल्ली में जब कोविड फैला हुआ था, सेकेंड वेव आई थी, तो किस तरह मारे जा रहे थे। ना उनको बेड था, ना उन्हें वैक्सीन थी, ना उन्हें ऑक्सीजन थी, और उसके बावजूद सत्ता में से किसी भी लीडर ने, फ्रॉम पीएम टू सीएम और एसी टू बीसी, कोई एक आदमी आन के वहां खड़ा नहीं हुआ कि भैया तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। और ऐसा नहीं था कि मरने वालों में सिर्फ माइनॉरिटीज थी, या दलित थे, या मुसलमान थे, हिंदू थे और सपोर्टर थे इस पार्टी के। तो जब आप नफरत बोते हो तो नफरत ही काटोगे एट द एंड। आप नहीं काटोगे, आपकी औलाद काटेगी। वॉच द वीडियो के किस तरह एक घर में घुस के दिल्ली में, और ये सब यूपी में हो रहा है। कमाल की बात है कि यूपी का सीएम सबसे ज्यादा बेस्ट पावरफुल फेस माना जाता है, एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली। लेट्स वॉच द वीडियो। भाई 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 एक बार ये दिखाना, दिख गया दिख गया।
भाई पूरा कबीर नगर इकट्ठे कर लो सलीम भाई, मैं बता रहा हूँ ये बदला भी ले रहे हैं बहल के अंडों में, ये देखो छोटे छोटे बच्चे, ये देखो भाई को तुम्हारे भी लगे, ये देखो छोटे बच्चे ये देखो बच्चों के कपड़े पे खून देख लो, तो आपने देखा। फिर मैं आपको दिल्ली की ही एक और वाकया बता रही हूँ। देखिए यूपी जो है इस वक्त हमारा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, और दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी है, जो भारत का दिल है, अगर उसमें ये चीजें हो रही हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी हिंदुस्तान के छोटे इलाकों और छोटी जगहों पर क्या कुछ हो रहा होगा या क्या कुछ खेला हो रहा होगा बाय दिस करंट गवर्नमेंट और बाय दिस यू नो रूलिंग पार्टी। मदनपुरा दिल्ली, मदनपुरा खेदर में परसों रात को 13 तारीख की रात को, जून 13 को, जो रोहिंग्यन मुस्लिम्स का पूरी झोपड़पट्टी या जो रिफ्यूजी कैंप था उसमें आग लगी और सारी झोपड़पट्टी जल के खत्म हो गई। अब उसमें रहने वाले कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग बेघर हुए, कहां गए, क्या हुआ, मीडिया में इसकी कोई खबर नहीं है। मीडिया में कोई खबर नहीं है। हमारे पास भी एक छोटा सा क्लिप है जो आग लगते का है और शोर मच रहा है, उसमें मैं आपको वो दिखा सकती हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए, आप भी सोचिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी हादसा वो मुसलमानों ही के खिलाफ क्यों हो रहा है। झोपड़पट्टियां सिर्फ मुसलमानों की है, रिफ्यूजी कैंप सिर्फ मुसलमानों का है, और कोई कैंप नहीं है और कोई झोपड़पट्टी नहीं है दिल्ली और नवाई दिल्ली में। सी द वीडियो फर्स्ट। तो आपने देख लिया पूरी झोपड़पट्टी जल के खत्म हुई, यानी रिफ्यूजी कैंप जो था रोहिंग्यास का वो जल के खत्म हो गया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं होते, किसी भी कौम से होते, तब भी मैं यही कहती कि इस तरह किसी बेघर को बेघर करना, वो तो ऑलरेडी बेघर है, मजबूर है, उनको आपने बेघर करके कौन सी सत्ता ऐसी है जो आपको पावर दे देगी या रुक जाएगी आपके पास? मुमकिन है कोई ऐसी सत्ता, ऐसी पावर जिसको आप इस तरह का मैसअप करके बचा सकते हैं? इंसानियत जो है वो इस बुरी तरीके से हिंदुस्तान से खत्म हो रही है कि बस हद और बस है किसी भी चीज के लिए। एक और वाकया असम में हुआ है, दिल्ली का नहीं है, ये 4-5 वाकया दिल्ली और नवाए दिल्ली के हैं, मगर एक और वाकया है जो असम का है, जहां 23 साल के लड़के को पुलिस ने सिर्फ शक की बुनियाद पर कि इस लड़के ने जो लॉकडाउन चल रहा है उसका वायलेशन किया है, इतना मारा, 23 साल का सोएब अख्तर इतना मारा उसे कि वो बच्चा दम तोड़ देता है पुलिस कस्टडी में। कौन सा दिल है यार? क्या तुम्हारी अपनी औलादें नहीं है? क्या तुम अपनी औलादों को इस तरह मारते हो? कौन सा दिल है तुम्हारा यार? किस तरह की नफरतें तुमने पाली हैं? क्या तुम्हें पता नहीं है सनातनियों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आदमी जो बोता है वही काटता है?
कि तुम अपने बच्चों को काटने के लिए तैयार कर रहे हो। जब दूसरे के बच्चे को तुम मारोगे तो तुम्हारे अपने बच्चों को भी कोई मारेगा। तुम्हें यूं क्यों लगता है कि क्योंकि तुम बहुत बड़ी तादाद में हो और पावर में हो, तो ना तो कोई बहुत बड़ी तादाद में कभी रहा है और ना कोई बहुत बड़ी पावर गद्दी पे हमेशा कोई बैठा रहा है। तो ये खब तो आप निकालिए दोनों चीजें अपने दिमाग से। आप अपने बच्चों के लिए कांटे बो रहे हो, आने वाली नस्ल के लिए कांटे बो रहे हो हिंदुस्तान में, कि सिर्फ एक तबके को बार 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 लगातार एवरी सिंगल डे आप एक किसी ना किसी बहाने से एक एक खून कर देते हो। तो जो दहशत फैला रहे हो, देखो मुसलमान कटने के लिए पैदा हुआ है, आप जितना काटोगे उतना पैदा हो जाएगा, तो उसकी वरी नहीं है हमें। वरी यह है कि इससे फायदा नहीं होगा किसी का भी, किसी का कोई फायदा नहीं है इसमें, ना पॉलिटिकली, ना सोशली, ना इमोशनली। अब आप ये देखिए कि गोदी मीडिया में तो ये खबरें कहीं नहीं होंगी और लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि अब वो सड़कों पर गोदी मीडिया को पकड़ रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया ने अपना काम, अगर गोदी मीडिया इंसाफ से, मुनसफी से करती, अगर सलीके से और सही बात बताती, तो आज ये नफरतें जो दिलों में, दिमागों में थी, वो अब उबल के बाहर आ गई है पब्लिक की, ये नहीं होता। तो मीडिया ने अपना काम नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने सोचा और जिन लोगों के पास दिल था, जो जो दुख रहा था कि यार जो भी कुछ हो रहा है वो गलत है, उनके दिल पलट गए हैं। और खास तौर से कोविड के बाद तो बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग चेंज हुए हैं। आज ही की खबर है, आजमगढ़ में राजीव तलवार नाम के एक लड़के ने वीडियो बनाया। आज तक की टीम वहां असल में पहुंची थी किसी क्या कुछ कवर करने, वो उसकी डिटेल नहीं है हमारे पास। एक कोई यूट्यूबर है राजीव तलवार, उस लड़के ने इतनी बुरी तरीके से घेरा है कार को और इस कदर गलाजत भरी गालियां दी हैं। लेकिन फिर वही है ना, आपको नफरतें हैं तो आप मार रहे हैं, अच्छे जहन हैं, अच्छे दिल के लोग हैं, पर उनके दिल में भी गुबार है, तो वो गालियों की शक्ल में बाहर निकल रहा है। क्योंकि आपने, गोदी मीडिया जो है उसने काम अच्छा नहीं किया, काम सही नहीं किया, उसने अपने पेशे के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ नाइंसाफी की है। और एक दिन इनको इसकी सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है बस्ता कोई भी नहीं है, कर्मा सबको वॉच करता है। लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट एंड देन, अब आई एम सॉरी बहुत गालियां हैं, मैं उस पर बीप नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोज के गालियां तो इस वक्त हमारे समाज का हिस्सा हो गई है, तो आई डोंट थिंक मुझे उस पर बीप लगाने की जरूरत है। लेट्स वॉच द वीडियो। ये देखिए आज तक की टीम है, आज तक की टीम गोदी मीडिया की गोद में बैठ के राजनीति करने वालों, गोदी मीडिया की गोद में बैठ के राजनीति करने वालों, साले तुमको राजीव बताएगा कि राजनीति कैसे होती है और मीडियागिरी कैसे होती है। भाई साहब उल्लू टीवी से राजीव ये जानना चाहता है कि जब मरना ही है तो डर के क्यों नहीं मर रहे हैं, क्यों बिक के मर रहे हैं, दो कौड़ी के लोगों की गुलामी क्यों कर रहे हैं आप लोग। भाई इस देश की मीडिया की गोद में बैठ के राजनीति करने वाले साले देश का क्या भला करेंगे, ये साले जोक है या नहीं बताइए, सच बोलिएगा झूठ मत बोलिएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत बुद्धिमान है आप। भाई साहब गोदी मीडिया की गोद में बैठ कर राजनीति करने वाले साले जोक है या नहीं, सच बोलने का साहस नहीं तो मत हो ही नहीं सकता कोई, गांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, सब साले मर्द बनते हैं माधवचोद, बसरी वाले जानते नहीं मर्दान की क्या होती माधवचोद। तो आपने देखा जितने भी लोग गाड़ी से उतर के भाग गए और किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि आज तक जो है वो सबसे बड़ा चैनल है जो इस गवर्नमेंट को की गोद में बैठा हुआ है और सबसे ज्यादा मतलब किसी ने कितना भी बड़ा घोटाला हो जाए, कितना भी बड़ा स्कैम सामने आ जाए, वो किसी ना किसी सूरत से यहाँ वहां से कर कुरू के और वो इस गवर्नमेंट को जो है ना पाको साफ कर कह देता है, साबित कर देता है।
तो जैसे ही राजीव तलवार ने उनको घेरा है, वो सब उतर के भाग गए, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ करने लगा, और सब खामोश हैं। कोई एक आदमी, कई चेहरे जाने पहचाने हैं, आप देख लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि जिनके दिल अच्छे हैं, जिनकी तरबियत अच्छी है, उनको समझ आ रहा है कि ये गवर्नमेंट यूज कर रही है अपने ही लोगों को, अपने ही धर्म पर और राम के नाम पर। कर्मा कैसे माफ करेगा, I don't know. हम नए वीडियो के साथ फिर आएंगे। Till then, जय हिंद, जय भारत, और please keep watching, share, like and subscribe to our channel. Thank you so much. रजिया मशकूर signing off. वतन की बात, हम वतनों के साथ।